नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत, सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं एग्जाम रिव्यू को, जो कि है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2023। और आज दिनांक 9 अक्टूबर से आगाज हो चुका है इस भर्ती के एग्जाम्स का। और अभी विद्यार्थी जो है, आज एक शिफ्ट के अंदर पेपर था, और इस शिफ्ट के बाद जो बच्चों से रिव्यू आया है, जिस तरह के क्या आने वाला था और क्या हमने प्रेडिक्शन लगाई थी कि इसमें क्या आ सकता है, तो दोस्तों थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं आज के एग्जाम रिव्यू पे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टेनो की। दोस्तों आपको सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया था कि इस बार का जो मैटर आएगा वो लीगल मैटर होगा, ठीक है, और लीगल मैटर ही आज हमें देखने को यहां पर मिला है। वादी प्रतिवादी, विद्युत विभाग से रिलेटेड इस तरह के शब्द हमें देखने को मिले, अंतिम संस्कार इस तरह के जो वर्ड थे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो हमने आप लोगों को लीगल वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उन पे बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। लीगल उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 1400 स्पेशल वर्ड्स आप लोगों को कराए गए सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से, और ये वर्ड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसके पीडीएफ भी उपलब्ध है और उसके वीडियो भी उपलब्ध है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और चाहे तो टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहीं से लीगल वर्ड आपके उठने हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं आज के पेपर में, तो पहली बात इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है, आपको जब भी सेंटेंस लिखने हैं दोस्तों, तो उन सेंटेंस को आपको पढ़ना है और पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसको देखो कि कहीं वो गलत तो नहीं है, कोई करेक्शन तो नहीं है, क्योंकि आपको जो करेक्शन करना है वो उसी टाइम पैराग्राफ टू पैराग्राफ वर्ड टू ये सेंटेंस टू सेंटेंस करना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिख लीजिए एंड उसके बाद देखिए कि कहीं कोई इसमें कमी तो नहीं है, कोई मात्रा की, कोई बिंदी की या किसी तरह की कोई इश्यू नहीं हो, ठीक है, क्योंकि इसमें एडिटिंग बैक स्पेस के थ्रू ही अपन यहां पर कर पा रहे हैं। अब जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, अब आप कहेंगे इसमें टाइम खराब नहीं होगा क्या? बिल्कुल टाइम खराब नहीं होगा। जिस स्पीड पे आप लोग टाइपिंग करते हैं, मैं पास होने वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं बस, जिन स्पीड पे आपने तैयारी की है टाइपिंग की, तो आपके लिए एक लाइन को एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, बहुत ईजी वर्ड रहे। अगर मैं कुल मिला के स्टेनो के एग्जाम को माध्यम देना चाहूं तो काफी ईजी मोड पे ये स्टेनो का आज का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। वॉइस बहुत क्लियर रही, सभी विद्यार्थियों को बहुत क्लियर वॉइस सुनाई दी है। महिला वॉइस यहां पर आज जो है वो दी गई है, ठीक है। और साथ में दोस्तों जो कीबोर्ड है वो लॉगिटेक के भी कीबोर्ड्स हैं, एशर के भी हैं, डेल के भी हैं। और कई विद्यार्थियों का दोस्तों सुनने में ये भी आया आज कि टाइपिंग जो है उनकी, अभी मैं इस बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए, पहली बात तो अपन ने स्टेनो के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है, अब अपन आ रहे हैं टाइपिंग पे। देखिए टाइपिंग का जो आज मैटर रहा, उसमें आपके एक तो चंद्र बिंदु, एक आपका क्रय और एक संपत्ति वाला जो तय होता है वो आपके यहां पर देखने को मिला है आज, ठीक है। तो ये कुछ आपके कोड आए हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ मैटर था नहीं जो हार्ड हो या कुछ ज्यादा बड़ा हो। कुछ एक दो तीन वर्ड अगर बड़े आ जाते हैं तो उसको हम ये मैटर नहीं कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बड़ा रहा। अगर बड़े वर्ड कुछ 1-2% आ गए हैं तो छोटे वर्ड भी लगभग 95% आपके छोटे वर्ड भी हैं, आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग का अगर मैं बात करूं तो टाइपिंग में एशर, डेल, लॉगिटेक, तो हर तरीके के कीबोर्ड वहां पर अवेलेबल है। अब कुछ विद्यार्थियों के शिफ्ट में कईयों के जो स्पेस दोस्तों होता है, विशेष ध्यान दीजिएगा, जो स्पेस का बटन जो होता है और एक बैक स्पेस का जो बटन होता है और दो शिफ्ट के बटन होते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। कभी स्पेस को जब आप बिल्कुल मिड से दबाते हो तब तो वो काम करता है, लेकिन जब उसको साइड से आप दबाते हो तो वो वर्क नहीं करता है। शिफ्ट में भी ऐसा ही होता है कि जब ये कुछ बड़े बटन होते हैं, लंबे बटन होते हैं दोस्तों, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूं ये थोड़े लंबे बटन होते हैं, और लंबे बटन में एक चीज होती है कि कभी कभी अगर वो अंदर से इसमें जो एक बैंड होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है तो इसको कॉर्नर पे दबाने पर
ये चीजें वर्क नहीं करती है। तो ऐसे में आपको कीबोर्ड चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि कई विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रही। और अगर आपके अगर दिक्कत आ रही है तो आपको इन्वेजिलेटर को बोलना है कि मेरे को कीबोर्ड चेंज करके दीजिए। अगर इन्वेजिलेटर आपको उसको बीच में से दबा के मना करता है तो आप उसको क्लियर करिए कि सर कॉर्नर से दबाने पे ये नहीं दब रहा है और टाइपिंग को तेज करते टाइम ये कॉर्नर से भी दब सकते हैं। बच्चों करियर आपका है, आपको अपनी बात को रखनी ही पड़ेगी। अगर आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, अगर आप अपने कीबोर्ड को चेंज नहीं करा पाएंगे तो उसके रिजल्ट के कामयाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। अगर आपको लगता है कीबोर्ड में कहीं इश्यू है तो बिल्कुल डटके आप अपनी बात को रखिए, ये आपके राइट्स हैं कि आपको जो चीज मिली चाहिए। अरे जब स्पीड भाई 67 वर्ड आप लोग मांग रहे हो तो मुझे भी तो चीज परफेक्ट दो। तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हैं और आपको जो स्टाफ है उसको ये बदलना होगा। ये आपके बकायदा राइट है, चाहे वो आपके रिटर्न राइट भी आप मान लीजिए। अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है आप उनको सेटिस्फाई कीजिए, अगर इन्वेजिलेटर नहीं मान रहा है तो बड़े अधिकारी से आप बात कीजिए, लेकिन कीबोर्ड को जरूर बदलवाइए और उसको जब तक चेक कीजिए जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हो। विशेष ध्यान रखने वाली चीज यही है, इसमें कोई इतनी हार्ड टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग इजी है। लेकिन अगर एफिशिएंसी और स्टेनो से अगर मैं बात करूं तो मैं इसको जो मोड देना चाहूंगा वो मीडियम मोड देना चाहूंगा, कि ये थोड़ा मीडियम पेपर था। मैं टफ नहीं कहूंगा, मैं मीडियम पेपर कहूंगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने है टाइपिंग की बात अब मैंने कर दी है। टाइपिंग के बाद में अब अपन चलते हैं आपकी एफिशिएंसी पे। देखिए एफिशिएंसी जो कंप्यूटर एफिशिएंसी का जो आपका पेपर हुआ है आज, उसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर एफिशिएंसी में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए वो सफिशिएंट थे, और आप भी जहां से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है आज के पेपर में कोई ऐसा टफेस्ट जो एफिशिएंसी है वो नहीं आई है। कुछ इस तरह के प्रश्न थे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, बॉर्डर को हटाना, डबल स्ट्राइक थ्रू, पेज कलर हो गया, पेज टॉप बॉटम हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा, उनकी प्रैक्टिस जरूर आप कर लीजिए। तो दोस्तों ओवरऑल आज का जो पेपर रहा उसमें स्टेनो आज काफी इजी रही है। आपकी टाइपिंग की मैं बात करूं तो टाइपिंग आपका मीडियम मोड पे रहा, और मैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी की बात करूं तो दोस्तों ये भी इजी रही है। तो ओवरऑल आज जिसकी तैयारी थी उनका रिजल्ट यहां पर बहुत बेहतरीन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का पेपर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो ये इजीएस्ट पेपरों में से एक पेपर है जिसकी तैयारी परफेक्ट है, उसका रिजल्ट भी परफेक्ट होगा, और आगे भी पूरी संभावना है लीगल वर्ड्स को करने की। तो आप ज्यादा से ज्यादा लीगल वर्ड्स अपने तैयार कीजिए, लीगल वर्ड्स को तैयार कीजिए। फ्लैक्चुएशन कोई ज्यादा नहीं आ रहा है, 72-75 हाईएस्ट खेच के बता रहा हूं, वो भी कुछ एक जगह पे आपको लगेगा ही नहीं कि 70 से ऊपर है। तो बहुत अच्छी डिक्टेशन, बहुत अच्छी वॉइस क्लियरिटी, सब चीजें बेस्ट है। अगर आज कुछ प्रॉब्लम्स जो लोगों की सुनने में आई हमारे पास में वो ये है कीबोर्ड से रिलेटेड, तो आपको उसका विशेष ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं अब आप इन चीजों का विशेष ध्यान देंगे। कल फिर मिलेंगे अगले जो एग्जाम रिव्यूज है उनके साथ में, तो आपको जो मैंने चीजें बताई हैं उसका विशेष ध्यान दीजिए, और आज और कल के एग्जाम के लिए भी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।